देश में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा व्यक्ति की पहचान बताने का सबसे बड़ा स्तंभ आधार कार्ड को माना है, लेकिन बात करें झाबुआ जिले के मेघनगर भारतीय स्टेट बैंक की, तो यहां आप पास के 111 गांव के ग्रामीणों को आधार कार्ड बनाने का काफी जद्दोजहद करना पड़ी, जिसके चलते कई बार मारपीट तक बात पहुंच जाती है। अपनी आइडेंटिटी बताने का मुख्य स्तंभ आधार कार्ड को लेकर मेघनगर SBI ब्रांच में ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल सत्र कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने को है, जिसको लेकर ग्रामीण अपने बालक बालिकाओं को एडमिशन कराने के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण काफी लंबा सफर तय कर SBI मेघनगर ब्रांच में आते हैं, लेकिन 8 से 10 दिनों के प्रयास के बाद भी ग्रामीणों को आधार कार्ड बनाने के लिए फॉर्म तक नहीं मिल पा रहे हैं। আমার 10 দিন থাকি গেলা দৌড়তে দৌড়তে আর রোজ পরেশান থাকি গিয়া আর আজ সরকার লোক আয়া আর এ ফার্ম বাটলা চালু হওয়া সরকার ঠারু আয়া আম আজ সো হাত হাত দিন থাকি গিয়া কো হাত বাগে না লাগি রা লেন মা ভুকিয়া না তরিয়া তে আমার ব্যবস্থা কাই নি থাই রিয়া রোজ যাওয়ানো রোজ 12 বাজে তক ভুকিয়ান তরিয়া যাওয়ানো আতু आधार कार्ड को लेकर ग्रामीणों की शिकायत के बाद पत्रकार SBI बैंक पहुंचे, जिसके बाद ब्रांच हरकत में आया और आधार कार्ड के फॉर्म बांटना प्रारंभ किए गए। फॉर्म लेने के लिए बैंक के मुख्य द्वार पर भगदड़ मच गई। फॉर्म लेने की जद्दोजहद में फॉर्म को फाड़ भी दिया गया। वहीं स्टेट बैंक मैनेजर का कहना है कि आधार कार्ड बनाने को लेकर अन्य बैंक की ब्रांचों ने आधार कार्ड बनाना बंद कर दिया है, जिससे मेघनगर स्टेट बैंक में भारी भीड़ आती है, जिससे बैंक आधार कार्ड व अन्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है। समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है सर कि थांडला के सारे 15 सेंटर बंद हो गए, सिर्फ मेघनगर का वर्तमान में मेरी ब्रांच का सिस्टम चालू है। इस वजह से पूरे थांडला ब्लॉक के लोग भी यहाँ आ रहे हैं आधार कार्ड बनाने, मेरे डे टू डे कस्टमर भी ब्रांच के अंदर नहीं आ पा रहे, इस वजह से ये समस्या आ रही है। मैंने थांडला SDM से भी चर्चा कर ली है, मेघनगर SDM से भी चर्चा कर ली है, मेघनगर SDM ने भी मुझे कल बताया है कि उन्होंने कलेक्टर साहब से भी चर्चा कर ली है। 25-26 तारीख तक थांडला की मशीनें शायद शुरू हो जाएगी, और जब तक वो शुरू नहीं होती थोड़ी समस्याएं आएगी, और मेरे पास एक आदमी है, वो एक आदमी दिन भर में कितनी भी कोशिश कर ले 30 या 40 से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकता, या 30 से 40 आधार कार्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता। समय उसमें भी होता है, मशीन कभी कभी हैंग हो जाती है, कभी कभी उसको भी टाइम लगता है, फॉर्म में कुछ कमी होती है, एक आदमी को वापस भेजना, वापस बुलाना, ये सारी समस्याएं आ रही है। और मैं इस बारे में अपने जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनको भी अवगत करा चुका हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इतनी भीड़ होने की वजह से मेरा जो रूटीन कस्टमर है वो ब्रांच में नहीं आ पा रहा है। आधार कार्ड बनवाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अपने आधार कार्ड के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल देखना होगा कि ग्रामीणों की समस्या पर प्रशासन का कब तक ध्यान जाता है। झाबुआ से संदीप खत्री की रिपोर्ट।